आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी का इंडिया साइज एंड लोकेशन, हिंदी में भारत आकार और स्थिति। मतलब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट एक समरी बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम है क्या। एक्चुअली जो ये चैप्टर है ये हमारा एक बेसिक है, मतलब इसके ही ऊपर हमारा पूरी जो बुक है वो लोकेट करती है कि जब हम इसको बारे में पढ़ें कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का आकार क्या है, उसकी लोकेशन का क्या है और कहां कहां पर इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, कौन से आइलैंड हैं, फिर कितने स्टेट हैं, कितने कैपिटल्स हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारा भारत है वो विश्व में कहां लोकेट करता है, मतलब जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड में कहाँ लोकेट करता है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल क्या है, लैटिट्यूड क्या है, मतलब अक्षांशीय रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है। उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास अंडमान निकोबार है ना, और हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंडिया के बारे में, हमने जैसे अभी बताया कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, लेकिन जस्ट एक इंट्रोडक्शन की जब हम बात करें, और वजह ये सब हमारा जो एनसीईआरटी बुक है उससे रिलेट करके है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो कितना पॉपुलर है, मतलब हिस्ट्री के एशियन टाइम से भी। तो जैसे इंडिया इज द वन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक प्राचीन सभ्यता है। हमारे इंडिया को एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। तो इसने हमारे पास बहुत सारे डेवलपमेंट करे, जैसे सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी बेस है और ओवरऑल डेवलपमेंट है। तो ये हमारे इंडिया की मतलब विशेषताएं बोल लो, है ना, कि इंडिया हमारे पास कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंस है। अभी हम इसे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से इसमें ट्रेड है, कहाँ कहाँ पे कौन सा ओशन है और किस किस को इसके फायदे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो कहाँ लोकेट करता है। तो जो हमारी अर्थ है, मतलब जो हमारी पृथ्वी है, उसकी शेप की बात करते हैं कि उसकी शेप कैसी है। अगर मैं जस्ट बच्चों से यूं ही पूछूं कि उसकी शेप कैसी है तो कई बोलेंगे गोल है। तो जो गोल नहीं है, आपने संतरा देखा हुआ है, तो संतरा क्या होता है हमारे पास, थोड़ा सा ऐसे करके होता है ना। तो जो हमारा अर्थ, मतलब जो अर्थ है वो भी कुछ इसी शेप की है, मतलब बीचों से, बीच से हमारी मतलब अंदर हो रखी है और साइडों से उभरी हुई है। तो हमारी अर्थ का एक्चुअली शेप ऐसा है, ना कि राउंड है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हमारे यहाँ से हो रखे है और यहाँ से उभरा हुआ है, और इसके बीच में बहुत सारी इमेजिनेशन लाइन है। अब इमेजिनेशन लाइन का मतलब क्या है, जैसे हम कैंसर लाइन बोलेंगे, है ना, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं। तो एक्चुअली ऐसा है नहीं कि हम मतलब अर्थ पे जाएंगे और हमें ऐसी कुछ लाइनें ड्रॉ करी हुई मिलेगी, लैंगिट्यूड है, एप्टीट्यूड है, जितने भी हमारे पास। तो चलो देखते हैं, फिर हम उनकी बात करेंगे कि क्या है। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है, मतलब बना दिया है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा है, इमेजिनेशन से हमें चार भागों में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3 और 4। अब जब फोर्थ में हमने डिवाइड कर लिया, आपने अभी मैप का अगर थर्ड चैप्टर कर लिया होगा, और नहीं करा है तो उसको कर लेंगे तब। तो आप देखोगे ये हमारा मैप होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन होता है हमारा, है ना। तो हम यहाँ का ओरिजिन यहाँ मानते हैं। अब यहां जाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखेंगे हमारे पास, ये भी यहाँ पे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं तो ईस्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो हम वेस्ट की तरफ जाएंगे और नीचे आएंगे तो साउथ की तरफ। तो याद रखनी इसमें ये चीजें, मैप में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। करोगे थर्ड चैप्टर का उसको पता चलेगा कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका है हमारा, साउथ अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एशिया का पोर्शन है हमारा, ये हमारे पास इंडियन ओशन है हमारे, यहाँ पर आ जाएगा इंडिया ओशन, और ये हमारे पास क्या, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और सॉरी अंटार्कटिका, और ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अब जब हम यहाँ की तरफ जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ईस्ट करेंगे, यहाँ की तरफ जाएंगे तो वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे लाइन जो मिल रही है, ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा है इंडिया, क्या है हमारा, ये इंडिया। अब इसी के बेस पे देखते हैं कि इसके हमारे पास लोकेशन है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड जो टॉपिक है इसमें, लोकेशन। लोकेशन मतलब जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, उसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो इंडिया है, मतलब जो अर्थ है वो क्या है, संतरे, ऑरेंज की तरह है। तो अब ऑरेंज की तरह है मतलब
मतलब गोल तो है नहीं, थोड़ी सी यहाँ से हो रखी है ना, तो हमें क्या करना है इसके दो हिस्से जब हो गए है ना, तो बच्चा एक हिस्सा ऊपर वाला है एक हिस्सा नीचे वाला है। तो जो हमारा इंडिया है जो लाइक करता है, वास्ट कंट्री है हमें पता है, एक बहुत बड़ी कंट्री है। और कहाँ लाइक करता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, अर्धगोला। अब देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो अर्धगोले बन जाएंगे है ना, कुछ करके ऐसे ऐसे करके हमारे पास अर्धगोला होता है ना, हेमिस्फीयर होता है। तो हमारा जो इंडिया है वो ये डिवाइड होगी लाइन, तो कहाँ आता है बच्चा, नॉर्थन में। कहाँ पर आता है, नॉर्थन। तो नॉर्थन हमारे पास ये वाला हिस्सा है, तो जो हमारा इंडिया है वो यहाँ लाइक करता है। तो अगर आपको कोई पूछे या क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया वो कहाँ है, तो वो उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है, ऊपर वाले हिस्से में हमारा इंडिया है, ठीक है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर इसलिए इसको बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं, इसमें हमारे पास मैंने बोला इमेजिनेशन लाइन है। अब देखो काल्पनिक रेखाएं का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला ये मेरा भारत है, वैसा लग नहीं रहा है लेकिन मैंने कोशिश करी थी बनाने की, तो ये कहाँ पर है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी कि ये हमारा जो बोर्ड है उसके 1/4 मतलब हाफ हिस्से में है। तो हाफ हिस्से का मतलब क्या है, अगर मैं बोर्ड के दो हिस्से कर दूं, अब इसका मतलब ये तो नहीं मैं बोर्ड के दो हिस्से करूंगी, जस्ट मैंने मान लिया। तो ऐसे ही हमने अर्थ को मतलब मेजर करने के लिए या उसके मेजरमेंट के लिए हमने कुछ लाइनों को इमेजिनेशन में मान लिया है कि वो कुछ लाइनें हैं। तो जैसे लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। अब लैटिट्यूड का मतलब याद रखना, अगर आप रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको ट्रिक के साथ याद रखोगे तो याद रहेगा। लैटिट्यूड का लेटी का मतलब क्या होता है, लेटना ऐसे याद कर लो है ना। तो अक्षांशीय रेखाएं मतलब जो लेटी हुई है, तो उनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं मतलब लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड का मतलब जो लाइन हमारी खड़ी। तो अगर आपने कभी ग्लोब देखा होगा है ना, तो ग्लोब देखोगे ना तो ग्लोब के पास पूरा ग्लोब होता है और उसपे दो लाइनें होती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब जो सीधा सीधा जा रही होती है हमारी है ना, लेटरी होती है, और लॉन्गिट्यूड मतलब जो उसपे खड़ी रेखा होती है। तो ये हमारे पास दो लाइनें हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो हम इसको वहां पे देखते हैं, हमारा अर्थ कहां, सॉरी हमारा जो इंडिया है वो कहां पे लाई करता है। तो उसे देखो, जब हमने अभी हमने अर्थ को जब समझा, ऐसे करके थे हमारे पास लाइनें, चार हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, डेट इज जीरो 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 और जीरो, यहाँ पे हमारा था, हमारा अर्थ यहाँ पर है, हमारी जो हमारा इंडिया है वो यहाँ पर है। तो देखते हैं वहां पे हमारे पास कौन सा है। तो जब हम इसको नीचे से आते हैं ना, यहाँ पे ऐसी लाइनें हैं बहुत सारी, तो जब हम यहाँ से इसको मेजर करते हैं, तो अभी हम लैटिट्यूड को बता रहे हैं, अक्षांशीय रेखाएं बता रहे हैं। तो अक्षांशीय मान क्या है, मतलब लैटिट्यूड वैली क्या है, 8.4 नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ की तरफ है इसलिए नॉर्थ में है, और ऊपर से हमारा क्या है 37.6, क्योंकि जब आपको इसको यूज करोगे ना ऐसे करके, तो इमेजिनेशन लाइन है यहाँ पर लाइक 30-60 ऐसे करके है ना। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है वो कितनी है, 37.6, और यहाँ पर कितनी, यहाँ से तो स्टार्ट ही हो रहा था, तो ये है 8.4 नॉर्थ। लेकिन जब इसको हम एटीट्यूड की तरह बात करेंगे, सॉरी लॉन्गिट्यूड की तरह बात करेंगे, देशांतरीय मान क्या है इसका, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो ये वाला लास्ट पॉइंट है हमारा, गुजरात है कच्छ के साइड का, तो 68.7 ईस्ट है। ईस्ट क्यों है, क्योंकि ईस्ट की तरफ से है पहले है ना। उसके बाद 97.25 ये भी हमारा क्या है, ईस्ट। तो ये है बच्चा इसकी लोकेशन इंडिया की, कि वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का मैप है या ग्लोब है, हमारा इंडिया कहाँ कहाँ तक कवर कर रहा है उस चीज को। तो इसकी वैल्यू है, तो आपको याद रखनी है ये। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। अब कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा हमारे जो इंडिया है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो यहां से स्टार्ट हो गया कर्क रेखा, देखो यहां से यहां तक, तो इसकी वैल्यू याद रखनी है। अब एन लगा इसके पीछे, नॉर्थ में लाई कर रही है इसलिए एन लगा इसका, तो 23.30 नॉर्थ। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है हमारे पास, 23.30 नॉर्थ। और ये क्या करती है, डिवाइडेड इनटू इक्वल टू पार्ट, और हमारी इंडिया को क्या कर रही है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा इंडिया है उसके आसपास क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम बात करें साउथ ईस्ट की तरफ, तो साउथ ईस्ट की तरफ क्या है, हमारा बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी है हमारे पास। वहीं नीचे आएंगे तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इसको अगर आप इमेजिनेशन लेके चलोगे ना कि हमारा अर्थ मतलब इंडिया ऐसी है
और इसके राइट हैंड साइड ये है और लेफ्ट हैंड साइड ये, तो आपको याद रहेगा। बिल्कुल इसके नीचे आ जाएं, ये हमारा 8.4 डिग्री था। और यहाँ पे एक चीज और है वो मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे क्या हमारा इंडियन ओशन है, मतलब हिंद महासागर है। और हिंद महासागर इसका नाम क्यों पड़ा ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट अभी समझ लो ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे हमारा हिंद महासागर है, मतलब इंडियन ओशन है। वही इसके साथ में आओगे यहाँ पे छोटे 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 आइलैंड है, तो एक आइलैंड को बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। और यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी, मतलब अरब सागर। तो आपको चीज याद रखनी है कि हमारा जो यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक है, तो जो हमारी जो अर्थ, मतलब इसको बोलते हैं हम, ये हमारा बाउंड्री पार्ट है, इसके यहाँ पे हमारा हिमालय है, और यहाँ पे हमारा जो जितना भी है ये हमारे पास वाटर लेवल है, ठीक है। तो यहाँ का नाम वे ऑफ बंगाल, अंडमान, ये हमारे आइलैंड हो गए, दो आइलैंड। अगर पेपर में आता है इंडिया के दो आइलैंड कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, और ये अरेबियन सी, हिंद महासागर और वे ऑफ बंगाल। तो इसके बात करते हैं इसके हमारे पास की लेंथ या बॉर्डर लाइन क्या दे रखी है। तो इसमें मैंने एक चीज और बतानी थी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि भारत का जो लार्ज, मतलब एंड पॉइंट है, कहाँ पे हमारा इंडिया जाके फिनिश होता है, तो उस पॉइंट का नाम क्या है, तो यहाँ पर एक लास्ट में पॉइंट है कन्याकुमारी के पास, इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। और जहां पे 2004 में सुनामी आई थी, जिसके कारण ये क्या हो गया, पानी में डिजोल्व हो गया, मतलब विलय हो गया पानी में। तो अब यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एंड पॉइंट क्या है हमारे इंडिया का, तो वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि हमारा जो पूरा इंडिया है यहाँ से लेके, मतलब अगर इसका हम एरिया की बात करें, बीच में सब एरिया, तो एरिया कितना है इसका, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब जो ये एरिया है ना, वो हमारे जो पूरा वर्ल्ड है, मतलब पूरा विश्व है, उसका 2.4% है। कितना है? 2.4%, ठीक है। उसके बाद हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं। अब यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन आता है कि कोस्ट लाइन है कौन कौन सी। तो कोस्ट लाइन का मतलब जो ये बाउंड्री लाइन है हमारी, इस अगर मैं पूरी बाउंड्री पे ट्रेवल करूं, तो ये कितना है टोटल, 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। अब इंडिया की बात कर रहे हैं ना कि कोस्ट लाइन की, तो इंडिया में तो हमारे ये भी आते हैं ना, लक्षद्वीप भी आते हैं और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप। जब हम इन दोनों को 15,200 किलोमीटर में ऐड कर देते हैं, इन दोनों की कोस्ट लाइन को भी, तो बन जाता है 7.516 किलोमीटर टोटल, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया बच्चा हमारे पास 7 कंट्री है, उसमें से 7th नंबर पे हमारी इंडिया है, जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। आप पहले नंबर पे कौन सी है? रशिया, फिर कैनेडा, फिर यूएसए मतलब अमेरिका, उसके बाद चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया 7th नंबर पे, 6th नंबर पे 5, 4, 3, 2 और 1। तो सबसे बड़ा हमारा रशिया है, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो भी इन 7 कंट्री में से एक में लाइक करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से देखा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, यहाँ पे हमारा जो टाइम है उसमें 2 घंटे का फर्क होता है, और इस टाइम को जो वहाँ पे स्टैंडर्डाइज करा जाता है वो क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है, मतलब भारत का मानक यमांतर क्या है, 82.30 ईस्ट। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करें इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया था आपको पहले कि जैसे ये हमारा क्या था, वर्ल्ड था, है ना, ये 400 में था, यहाँ पे हमारा यूरोप था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका था, और हमारा इंडिया जो है वो यहाँ लाया करता है ना, एशिया में। तो ये क्या कारण है बच्चा, एशिया हमारे पास क्या है, सेंटर लोकेशन देता है हमारी इंडिया को, क्या देता है, एक सेंटर लोकेशन देता है, क्योंकि यहाँ भी देश है, यहाँ भी देश है, कौन कौन से, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, इसीलिए हमारी इंडिया को क्या है, सेंट्रल लोकेशन मिली हुई है। और इसी लोकेशन के कारण जो हमारी इंडिया है, यहाँ प्राचीन टाइम से, मतलब एशियन टाइम से ट्रेड होते चले आ रहे हैं, है ना। ट्रेड का मतलब क्या होता है, आप हिंदी बोलते हैं व्यापार। अब यहाँ पे हमारे हैं हिमालयस, है ना, और हिमालयस हमारे, इनको क्या बोलते हैं हम, यंग फोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड, मतलब नवीन वलित पर्वत। अब इनके बारे में हम चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ याद रख लो कि हिमालयस को क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड भी बोलते हैं, मतलब नवीन वलित पर्वत। अब यहाँ पे हमारे हिमालयस आ गए,
यहाँ पे भी हमारा ओशन है, यहाँ पे भी ओशन है और यहाँ पे भी ओशन है। तो जो हिंद महासागर है मतलब इंडियन ओशन है, ये हमारे इंडिया को क्या करता है, सेंट्रल लोकेशन देता है। इस करके ही हमारे जो ये वाला ओशन था इसका नाम क्या पड़ गया, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। अब यहाँ से क्या होता है, टाइम टू टाइम हमारे पास बहुत सारे थे, यहाँ हमारे पाकिस्तान पड़ जाता है ना, ये हमारे पास चीन है, यहाँ वे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये रास्ते पानी के लिए थे और जो ट्रेड थे वो हमारे पास कहाँ से होते थे, पानी के रास्ते से भी होते थे और साइड से भी होते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास व्यापार का एक बहुत अच्छा जरिया था, हमारे इंडिया में हर देश आके व्यापार कर सकता था। तो यहाँ से व्यापार के जरिए क्या होता था, ट्रेड में हमारे गुड्स एंड सर्विसेस है ना, क्या होते थे हमारे गुड्स एंड सर्विसेस, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारी कपड़े और हमारी फेस्टिवल, जो कुछ भी था हमारे विचार थॉट सब क्या होते थे, एक्सचेंज होते थे। तो हमारा जो इंडिया है वो इसलिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसी कारण था कि हमारे इंडिया में सब लोग आके क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नेबर पड़ोसी देश कौन से हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे इंडियन के जो नेबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास आठ है, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं। एक चीज और, श्रीलंका और इंडिया इसके बीच में छोटी सी बस हमारे पास एक बॉर्डर लाइन सी जाती है, इसका नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। कई बार पूछ लेते एग्जाम में पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी, जिसका पाक स्ट्रेट और गल्फ मन्नार, ठीक है। तो याद रखनी है कि इसको क्या बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं, कितनी यूटी हैं, तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटी हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो दादर नगर हवेली दमन एंड दीव पहले वो अलग अलग थी, उनको एक कर दिया गया है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर था उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, और एक स्टेट को हमने क्या बना दिया है, दो यूटी बना दी है। तो हमारे पास 9 यूटी हैं और 28 स्टेट हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर देखने में तो छोटा है लेकिन इसकी जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई एक दो चीज मिस हो गई होंगी तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक देख सकते हो। वैसे मैंने कोशिश करी है कि सारे टॉपिक आपको कवर करूं, ठीक है। इंडिया भी बनाया मैंने, जो लग नहीं रहा लेकिन कहीं से इंडिया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर सेकंड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।